लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा और आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभार। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कादीपुर पुलिस के खिलाफ रोड जाम कर भाजपाइयों ने किया उग्र प्रदर्शन। मामला सुल्तानपुर जिले के कादीपुर कोतवाली का है, जहां पे गत 15 अक्टूबर को भाजपा नेता सर्वेश सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और कादीपुर कोतवाली के दरोगा आनंद गौतम और एक अन्य सिपाही से मोटरसाइकिल हटाने को लेकर मामूली विवाद में मारपीट हो गई थी, जिसको लेकर कादीपुर पुलिस एवं भाजपाइयों में जंग छिड़ गई। कादीपुर पुलिस ने भाजपा नेता के बेटे अभिषेक सिंह को दोषी करार देते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। वहीं पर भाजपाइयों का आरोप है कि कादीपुर पुलिस भाजपा नेताओं की कार्यशैली से जलन रखती है, जिसके कारण उनके बेटे पर फर्जी आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत किए जाने के विरोध में भाजपाइयों ने कादीपुर कोतवाली का घेराव करते हुए रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे कादीपुर क्षेत्राधिकारी ने भाजपाइयों से एक दिन का समय मांगते हुए निष्पक्ष कार्यवाही करने की बात कही। फिलहाल भाजपाइयों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच कराई जाए, उनके बेटे पर लगे फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए, आनंद गौतम समेत भ्रष्टाचार में लिप्त अन्य पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इसी के साथ ही भाजपाइयों ने निष्पक्ष कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी देते हुए जंग जारी रखने की बात कही है। सर, इस समय भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर रोड जाम हुआ है, इसलिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमारा क्या, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं रोड जाम न करें, इसमें पब्लिक परेशान हो रही है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी इनकी सुन करके और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर FIR हो और हमारा केस जो वाजिब है वो वापस किया जाए। जो वाजिब है वही लिखा, सीसीटीवी कैमरे में सारा रिकॉर्ड दर्ज है। और ये जाम हम लोगों ने नहीं लगाया, हम तो CO साहब के पास बैठे थे कार्यालय में, वहाँ से फोन आया कि गांव की जनता ने आके यहाँ से जाम लगाया है। आज हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि ये लोग हट जाएं, और CO साहब का आश्वासन है, CO साहब के आश्वासन हम आज देख लेते हैं, कल उसके बाद हम लोग विचार करेंगे क्या किया जाए। ये नौजवान आम जनता उतरी है, हम लोग तो वहाँ बैठे थे शाहगंज रोड पर, भाई साहब का CO साहब का फ़ोन आया कि आप जो है चौराहे पे आ जाइए, जनता ने जाम लगाया है। विगत दो दिन तीन दिन पहले से एक आनंद कुमार गौतम नाम का दरोगा अनायास हमारे बच्चे को लगातार टारगेट पे रख करके कहीं ना कहीं भिड़ रहा था। कल की परसों की बात है, वो लड़का पैसा डालने के लिए बैंक में आया, अभिषेक जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी है, उसकी बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी करके जैसे नीचे गया पैसा डालने के लिए, एक सिपाही के द्वारा आनंद कुमार गौतम ने उसको बुलवाया और बुलवा के भद्दी भद्दी गाली देते हुए तुरंत हाथ ऐंठ कर उसका गला दाब कर ढकेल देता है और दो बार ढकेलता है, लात से मारता है। उसने पूछा सर गलती क्या है, तो गलती नहीं करता बताता है तो वो अपने बीच बचाव में दोनों पक्षों में हाथापाई होती है। इसको लेकर के आनंद कुमार गौतम जा करके जो है, उनका जात भी हम लोगों को नहीं पता था, आज पता चला वो आनंद कुमार गौतम है। ST 88 के तहत मुकदमा लिखते हैं, 307 लिखते हैं, विभिन्न दर्जनों धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर देते हैं एक मिनट के अंदर, और हम लोगों के पास निर्दोष होने का कोई सबूत नहीं था। ईश्वर की कृपा थी कि वहाँ एक CCTV कैमरा लगा हुआ था, नहीं तो हम अपने बच्चे कहना खुद नहीं मान रहे थे कि कहीं गलती की। लेकिन CCTV देखने पता चला, आम जनता सैकड़ों जनता ने देखी, चौराहे पे दरोगा ने ही बदतमीजी शुरू की बच्चे से, दरोगा ने ही मारपीट शुरू की, गाली गलौज भद्दी भद्दी गाली से शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद बच्चे को मारा पीटा। 5,000 रुपये जेब में था उसका, चाहिए वहाँ धक्का मुक्की गिर गया हो, चाहिए हमें लगता है आनंद कुमार या उनके सिपाही निकाल लिए पैसे को, और उस पर हम लोग भी मुकदमा चाहते हैं। अब प्रशासन एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है, हम ऊपर तक अभी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा संगठन, पूरी पार्टी और पूरे क्षेत्र के लोग इस जन का ये घटना देखे हमारे साथ हैं। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।